दक्षता जन जागृति सप्ताह 2019 परभणी जिले के मुख्य कार्यालय में समारोह। परभणी में एंटी करप्शन की ओर से 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के माध्यम से परभणी शहर और जिले की जनता तक भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए और भ्रष्ट मुक्त भारत कैसे बनाया जाए, इसके लिए पटनाट्य, पोस्टर, बैनर आदि जैसे उपक्रम कर जन जागृति की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन परभणी के एंटी करप्शन कार्यालय में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परभणी शहर के IPS तथा DSP नितिन बगाटे रहे और भरत हुंबे, DSP एंटी करप्शन परभणी राजेशपुरी पुलिस निरीक्षक थे। सभी प्रमुख अतिथि ने कार्यक्रम में भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनाए, लॉन्च मांगने वाले के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए अपने मार्गदर्शन में बताया। इस समारोह कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए एंटी करप्शन की ओर से भारत ठुंबे, राजेश पुरी, अमोल गड्डू, जमील जागीरदार, मिलिंद हनुमंते, शेख शकील, शेख मुखीत, अनिल कटारे, सारिका तहरे, अनिरुद्ध कुलकर्णी, अविनाश पवार, माणिक चट्टे आदि ने परिश्रम किया। साथ ही एंटी करप्शन के परभणी DYSP भारत ठुंबे ने NTV से बात करते हुए जनता से आह्वान किया। परभणी से नजीब सिद्दीकी की रिपोर्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म तिथि है 31 अक्टूबर, उसके वो सप्ताह में ये जन जागृति सप्ताह मनाया जाता है। ये सप्ताह में ये शुरुआत 28 तारीख को हुई। 28 तारीख को हमने शपथ ली कि हम सब भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, अपना परभणी के बोलेंगे तो परभणी भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। कई लोगों ने भी हमारे साथ शपथ ली। उसके बाद 28 से लेके 2 तारीख तक परभणी जिले के जितने तालुके हैं, जितने पुलिस स्टेशन हैं, वो जगह पे जाके हमने जहाँ जहाँ पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए, जहाँ बाजार मार्केट प्लेस है, व्यापारी लोग हैं उनको जाके मिले, जो किसान लोग हैं मार्केट में आते हैं उनमें भी जन जागृति की। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट उनको अगर पैसा मांगता है तो तुरंत मेरा नंबर सबको दिया गया है और हमारे जो 2 ऑफिसर हैं उनका ही नंबर दिया, ऑफिस का नंबर दिया है, उनके ऊपर फ़ोन करने को बोला है। और SCB की कार्यकारी कार्य कैसी चलती है, कार्यवाही कैसी चलती है, उसके बारे में बहुत लोगों को कुछ पता नहीं था, कि कोई शंका थी उनकी कि हमारा कंप्लेन कैसा करें या कंप्लेन करने के बाद हमारा पैसा वापस मिलता है कि नहीं। ये सब के सवाल हमने उनको सवालों के जवाब हमने दे दिए है कि जो भी आदमी इधर कंप्लेन करने को आता है उसका पैसा हम जमा करते हैं जितना वो पब्लिक सर्वेंट उनको डिमांड कर रहा है। उसके बाद केस रजिस्टर होने के बाद वो जो उनका पैसा है वो हमारे इधर मुद्देमाल बोल के जमा रहता है और वो आदमी ने जो पैसा हमको जमा किया है उसके बदले हम उसको वो रकम का चेक दे देते हैं गवर्नमेंट से। तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक को और भी बताना चाहूँगा, निशंक होके कोई भी सरकारी नौकर आपको पैसा मांग रहा है तो हमारे पास कंप्लेन करो, आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी। ये भ्रष्टाचार है, ये समाज को लगी हुई कीड़ है, उसको समूह नष्ट करना हमारा ACP का और उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। पब्लिक चाहे सब कर सकती है, पब्लिक उसमें अकेली ACP कुछ कार्रवाई करने से पब्लिक का सहयोग उनको मिलना बहुत जरूरी है। उसी लिए ये अवेयरनेस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने मिलके ACP के कार्यवाही के बारे में और कंप्लेन कैसा करें उसके बारे में क्या होता है इसके बारे में बताया है। मैं ये सप्ताह का, इस साल का ब्रीद वाक्य था ये, सॉरी, जीवन शैली, ईमानदारी एक जीवन शैली, इंटीग्रिटी द वे ऑफ लाइफ, इसके बारे में सबको बताया गया।